वन नेशन वन इलेक्शन पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि आज के समय और संविधान के अंतर्गत ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए जनवरी 2025 से वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया, अब पूरे देश की विधानसभा और लोकसभा के एक साथ चुनाव होंगे तो ये सरकार 5 साल तक के लिए चुनी जाती है। किसी राज्य या केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर जाती है तो चुनाव कैसे होगा, क्योंकि बाकी जगहों पर चुनाव 2030 होंगे, तो इस स्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा, ये संभव ही नहीं है। संविधान के उन प्रावधान का क्या होगा जिसमें कहा गया है कि ऐसी खाली जगह जो 6 महीने तक खाली रही है वहां पर चुनाव कराना अनिवार्य है, इस प्रावधान में भी फिर संशोधन करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल नहीं दिखता आज के समय से और आज के संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत, ये प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है यदि आप संविधान में ऐसा संशोधन करें, एक कि जो 5 साल का कार्यकाल वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया 1 जनवरी 2025 से, मान लीजिए अब पूरे देश की विधानसभाओं का और देश की लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा, 5 साल के लिए वो चलेंगी सरकार। 2 साल बाद सरकार गिर जाती है कहीं की, किसी राज्य की या केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर गई। आज संविधान का प्रावधान है कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाएंगे। 2025 को चालू किया, 2 साल बाद 2027 में केंद्र सरकार गिर गई या किसी राज्य की सरकार गिर गई और वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी, तो उसका अगला इलेक्शन कब आएगा? 2032। बाकी जगह कब होंगे इलेक्शन? 2030। तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? संभव ही नहीं है। जब तक आप ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं लाते कि गवर्नमेंट्स अगर गिरती हैं तो वो अब अगर चुन के आएंगी तो शेष 5 साल के समय के लिए ही चुन के आएंगी, या आप चुनाव ही नहीं कराओगे। अभी एक साथी ने पूछा कि गवर्नर रूल लगा देंगे क्या, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे क्या, तो आप कहोगे कि हमको तो 5 साल का मेंटेन करना है, 1 साल में अभी सरकार गिर गई तो अब चुनाव नहीं होगा क्योंकि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन का क्रम टूट जाएगा, तो 4 साल के लिए गवर्नर रूल रहेगा, 4 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल रहेगा। और संविधान के उस प्रावधान का क्या होगा जो कहता है कि 6 महीने में आपको चुनाव कराना ही है रिक्त स्थान में? वो भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। नहीं नहीं वन नेशन वन इलेक्शन हमको कराना है, तो अगर सरकार बीच में गिरती है तो 5 साल का क्रम टूट जाएगा, तो 5 साल हम नहीं बदल रहे, अब ये जो शेष समय के लिए इसमें गवर्नर्स रूल या राष्ट्रपति शासन लगेगा।